बिहार में पंचायत चुनाव के लिए अब तक वोटिंग नहीं हुई है, फिर भी बिना मतदान के रिजल्ट आने लगे हैं। ये सुनकर आप जरूर चौंक गए होंगे, पर हकीकत यही है। दरअसल पहले चरण में 858 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई है, जबकि तीसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया अब शुरू हुई है। बिहार पंचायत चुनाव के पहले चरण में 858 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं, जिनमें से वार्ड सदस्य के 26 और पंच सदस्य के 830 शामिल हैं। इसी तरह से जिला पार्षद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के एक एक प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। इसके अलावा 72 पदों पर एक भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया है। इनमें से पंच के 71 और वार्ड सदस्य का एक पद शामिल है। इन पदों के लिए फिर से चुनाव कराए जाएंगे। बिहार में पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में 24 सितंबर को मतदान होना है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 76,279 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। इनमें सर्वाधिक 41,405 ने वार्ड सदस्य पद के लिए नामांकन किया है। तीसरे चरण में 35 जिलों के 50 प्रखंडों में 8 अक्टूबर को मतदान होगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।